बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास OSPF और मल्टी एक्सेस नेटवर्क, और या फिर हमारे पास है OSPF और ईथरनेट। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम उसको पढ़ लें, फिर हम जाके इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। अब लेट्स सपोज इस तरह है कि ये है हमारे पास एक राउटर, ठीक है, और ये है हमारे पास एक और राउटर, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास हुई है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। और जैसे कि कल हमने पढ़ा था पैकेट टाइप्स के बारे में, ठीक है, हमारे पास होते हैं पैकेट के टाइप्स टोटल 5, ठीक है। एक हमारे पास होता है हेलो पैकेट, फिर हमारे पास DVD, ठीक है, या डाटा बेस डिस्क्रिप्टर, फिर हमारे पास लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट अपडेट LSU, और फिर लास्ट में हमारे पास है LS एक्नॉलेजमेंट का। अब ये है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। अब यहाँ पे इनके दरमियान में जब पैकेट एक्सचेंज होगा वो होगा हमारे पास हेलो पैकेट। कौन सा पैकेट होगा? वो होगा हमारे पास हेलो पैकेट, जो इन दोनों के दरमियान में एक्सचेंज हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान में नेबरशिप क्रिएट हो जाएगी। अब नेबरशिप क्रिएट होने में और एक और टर्म है हमारे पास एडजेसेंट नेबर है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास नेबरशिप है, ठीक है, और एक हमारे पास एडजेसेंट नेबर है। कौन सा नेबर है? एक हमारे पास एडजेसेंट नेबर है, एडजेसेंट नेबर। इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारे पास जो नेबरशिप है वो तो बन गई है, किसी वजह से जैसे हेलो पैकेट एक्सचेंज हुआ दोनों राउटर्स के दरमियान में हमारे पास नेबरशिप क्रिएट हो गई है। अब हमने पढ़े थे 5 पैकेट्स के बारे में, ठीक है। अब इस तरह होता है कि लेट सपोज हेलो पैकेट एक्सचेंज करने के बाद अगर इन राउटर्स में कुछ LSAs मिसिंग हो, ठीक है, अगर इन राउटर्स में कुछ LSAs मिसिंग हो तो क्या होगा, ये जब आपस में डेटाबेस यानी कि जो DBD है ये अगर आपस में दोनों एक्सचेंज कर लें तो इनको पता लगेगा कि हमारे पास कौन कौन से LSA मिसिंग हैं। जब LSAs जब डेटाबेस एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, LSAs मिसिंग है, ठीक है, तो जिसके पास मिसिंग है वो फिर आपस में क्या करेंगे, वो फिर आपस में एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजेंगे, LSR भेजेंगे, ठीक है, क्या करेंगे वो फिर आपस में LSR यानी कि रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जो डाटा यानी कि जो LSA आपके पास है, जो इसके पास है वो इसके पास नहीं है, या फिर जो इस ऑर्डर के पास है वो इसके पास नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में लिंक स्टेक रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट भेजेंगे कि अपने डेटाबेस में से यानी कि हमें भी यानी मेरे पास ये LSA नहीं है। अब LSR सेंड करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा जो पैकेट है वो है हमारे पास LSU का, लिंक स्टेट अपडेट का। कौन सा वाला है? वो है हमारे पास लिंक स्टेट अपडेट। अब इसके बाद क्या होगा, पहले हमारे पास हेलो पैकेट एक्सचेंज हुआ, ठीक है, नेबरशिप क्रिएट हो गई। नेबरशिप क्रिएट होने के बाद इन दोनों राउटर्स ने आपस में DBD को एक्सचेंज किया, ठीक है, जो DBD है इन डेटाबेस को इन्हें एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। DBD के बाद जो राउट्स यानी कि जो LSAs मिसिंग है फिर आपस में इन्होंने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है। रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद फिर वो अपडेशन यानी कि LSU सेंड मैसेज पैकेट जनरेट हुआ। अब LSU के बाद जब डेटाबेस इन द कम्प्लीट हो गया, दोनों का मतलब मैच हो गया है, तब आपस में ये लोग एक पैकेट जनरेट होगा, वो होगा हमारे पास लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट का। कौन सा वाला? लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट का। अब ये कहानी मैंने क्यों बताई, ये कहानी मैंने इसलिए बताई है कि जब हमारे पास टोटल के 5 के 5 पैकेट एक्सचेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास फिर कहलाते हैं एडजेसेंट नेबर्स, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे पास एडजेसेंट नेबर्स। तो अब
नेबरशिप में क्या, नेबरशिप जो है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि नेबरशिप में, नेबरशिप में ठीक है ओनली हेलो पैकेट जो है वो एक्सचेंज होता है, ओनली हेलो पैकेट एक्सचेंज ठीक है। और अगर बात करें एडजेसेंट नाइबर्स की, एडजेसेंसी की या फिर एडजेसेंट नाइबर की, एडजेसेंट नाइबर की, तो एडजेसेंट नाइबर में क्या होता है, एडजेसेंट नाइबर में ऑल फाइव पैकेट्स, ऑल फाइव पैकेट्स आर एक्सचेंज्ड ठीक है, ऑल फाइव पैकेट्स आर एक्सचेंज्ड। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, नेबरशिप में सिर्फ और सिर्फ हेलो पैकेट एक्सचेंज होगा ठीक है, और एडजेसेंट नेबरशिप में और जो फाइव पैकेट्स थे वो सारे के सारे एक्सचेंज होंगे। तो इन दोनों में ये फ़र्क है, नेबरशिप में और एडजेसेंट में। अब ये तो हम लोग, ये हमने बात की किसकी, ये हमने बात की है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी तो ईजी है। अच्छा अब अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर जो टॉपिक है हो गया वो मल्टी एक्सेस है ठीक है, तो मल्टी एक्सेस नेटवर्क में क्या होता है, लेट सपोज ये है हमारे पास एक स्विच ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे पास एक स्विच। अब इस स्विच के साथ मल्टीपल जो डिवाइसेस है वो कनेक्टेड है, ये हो गया हमारे पास राउटर नंबर वन, ये हो गया हमारे पास राउटर नंबर टू, ये है हमारे पास राउटर नंबर थ्री, और ये है हमारे पास इधर राउटर नंबर फोर, और ये है हमारे पास राउटर फाइव ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एक मल्टी एक्सेस, एक मल्टी नेटवर्क है। अब जैसे ही हमने OSPF को रन किया हुआ है ठीक है, OSPF को रन करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये आपस में बन जाते हैं अपने, एक सारे आपस में बन जाते हैं नेबर्स ठीक है। हेलो पैकेट जो एक्सचेंज होगा तो सारे जो डिवाइसेस हैं वो बन गए हैं नेबर्स, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये है, ये हमारे पास एक स्विच है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन सब की जो नेटवर्क आईडी है वो सेम रहेगी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 10 1 1 1 और ये है 5 ठीक है, डॉट 5 10 1 1 डॉट वन ठीक है, 10 1 1 डॉट टू, 10 1 1 डॉट थ्री और 10 1 1 डॉट फोर। इनकी नेटवर्क आईडी क्या है, इनकी जो नेटवर्क आईडी है वो क्या रहेगी, वो हमारे पास सेम ही रहेगी ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सबके साथ आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे ही हमने क्या किया है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर OSPF को इनेबल किया ठीक है, जैसे ही हमने यहाँ पर इनेबल किया है OSPF को, तो जैसे कि आपको पता है जो OSPF है वो हमारे पास मल्टी कास्ट एड्रेस यूज़ करता है, कौन सा वाला, 224.0.0.5 ठीक है, .5। अब जैसे हमने इनेबल किया OSPF को, तो इस मल्टी कास्ट के थ्रू आपस में ये पैकेट्स को, मतलब नेबरशिप इनकी क्रिएट हो गई है। अब क्या करेंगे, लेट सपोज इस तरह है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि लेट सपोज ये जो राउटर है ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक आ गया है, एक और लूप बैक आ गया ठीक है, क्या आ गया, इधर हमारे पास एक और लूप बैक आ गया है, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक नया LS यानी कि एक न्यू राउट ऐड हुई है ठीक है। अब इस न्यू राउट को ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो अपना डेटाबेस है ये इसके साथ भी एक्सचेंज करेगा, शेयर करेगा ठीक है, ये 5 के साथ भी एक्सचेंज करेगा, ये 1 के साथ भी एक्सचेंज करेगा और ये 2 के साथ भी एक्सचेंज करेगा ठीक है, मतलब शेयर करेगा। अब शेयर करने मतलब शेयर करने, अब यहाँ पर एक और अब नेटवर्क है लूप बैक है जो कि इनके पास नहीं है, क्योंकि ना कि राउटर नंबर 4 के पास है, ना 5 के पास है, ना 1 के पास है, ना 2 के पास है, और ये शर्त है कि यहाँ पर जो चीज़ राउटर नंबर, मैंने जो एक राउटर के पास हो वो सब के पास ही सेम टू सेम होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब डेटाबेस जब इन्होंने मतलब एक्सचेंज कर दिया, शेयर कर दिया अपना, तो क्या होगा, ये राउटर भी राउटर नंबर 3 को क्या भेजेंगे,
चलो ये भी थ्री को भेजेंगे क्या, ये भी थ्री को भेजेंगे लिंक सेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ये भी यहाँ पर लिंक सेट रिक्वेस्ट भेजेगा, ये भी यहाँ पर लिंक सेट रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये भी इधर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट ही सेंड करेगा, क्योंकि इनको ये एरे से यानी इनको ये राउट अपने राउटिंग टेबल में अपने डेटाबेस में चाहिए। अब इसके बाद लिंक सेट रिक्वेस्ट के बाद क्या होगा, यही राउटर नंबर थ्री यहाँ पर भी एल एस यू सेंड करेगा, यहाँ पर भी अपडेट सेंड करेगा, और यहाँ पर भी अपडेट सेंड करेगा, और यहाँ पर भी अपडेट सेंड करेगा। अब अपडेट सेंड करने के बाद क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर जो 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 अदर राउटर्स हैं वो दोबारा से यहाँ पर एल एस ए सेंड करेगा, ये भी एल एस ए सेंड करेगा, और ये भी एल एस ए, और ये भी यहाँ पर भी एल एस ए ही सेंड होगा, जो कि आपको नज़र आ रहा है जो कि क्या हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी एक खिचड़ी टाइप सी बन गई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। अब इस काम से बचने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो हमारी सारी जो काम है वो सारा काम इसमें मतलब एक्सचेंज होने में ही लग गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एक मुश्किल काम है, अगर कोई फॉल्ट आ भी गया है तो उसको फिर आइडेंटिफाई करना भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो इस काम से बचने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास OSPF और मल्टी एक्सेस नेटवर्क या और ईथरनेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज ये है हमारे पास एक OSPF का एक और यानी कि डोमेन है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक OSPF का एक डोमेन है, और ये जो है यहाँ पर हमारे पास अब जो इनेबल्ड है OSPF, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास हम लोग अगर हमने यहाँ से बचना है, इस हमने अगर यहाँ से बचना है, ठीक है, हमने इस काम से बचना है, तो हमारे पास यहाँ पर राउटर के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है, क्या है, हमारे पास राउटर के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं। वो रूल्स हमारे पास क्या है, जो एक राउटर है वो हमारे पास जो रूल्स हैं वो है हमारे पास एक डी आर का, ठीक है, कौन सा रूल है, एक है हमारे पास डी आर, यानी कि डी आर स्टैंड फॉर क्या है हमारे पास, डेजिग्नेटेड राउटर, क्या है हमारे पास, डेजिग्नेटेड राउटर। एक हमारे पास है बी डी आर, ठीक है, बी डी आर जो कि हमारे पास स्टैंड फॉर है बैकअप, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। और जो बाकी जो दूसरा जो हमारे पास जो रोल है वो है हमारे पास बी डी आर यानी कि बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, सॉरी डी आर अदर, डी आर अदर स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, और फिर हमारे पास है अदर, डेजिग्नेटेड राउटर अदर। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर ये होगा कि हमारे पास एक जो रोल्स हैं इनका काम क्या होगा, ठीक है, इनके इनका जो काम है वो हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास क्या, यही इसी डायग्राम से पास लेते हैं, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। अब ये जो है ना, यहाँ पर हम यहाँ पर एक राउटर को हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक राउटर को रोल दे देंगे किस चीज़ का, डी आर का, ठीक है। लेट सपोज हमने इस राउटर को बना दिया है डी आर, ठीक है, और हमने इस राउटर को बना दिया है बी डी आर, क्या बना दिया है, हमने बना दिया है बी डी आर, और वो जो बाकी जो तीन राउटर्स है ये तीनों ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों होंगे डी आर अदर। ये पॉइंट आप याद रखें कि एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में हमारे पास एक डी आर होगा और एक ही हमारे पास बी डी आर होगा, ठीक है, और बाकी जो सारे जो राउटर्स हैं वो हमारे पास डी आर अदर ही होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास एक ओ एस पी एफ का एक डोमेन है, क्या है, ये हमारे पास एक ओ एस पी एफ क्या है, ये हमारे एक ओ एस पी एफ डोमेन है, ओ एस पी एफ डोमेन। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है वो भी अभी देखते हैं कि
OCF डोमेन में जिसका हमारे पास मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, वो है हमारे पास 224.0.0.5। अब इसी OCF डोमेन में हमारे पास यानी कि इसी एक ग्रुप में हमारे पास एक और ग्रुप बना दिया है, जिसमें हमारे पास दो आउटर्स हैं, वो है हमारे पास DR, ठीक है, और एक हमारे पास है BDR, ठीक है, जिनका मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, वो है हमारे पास 224.0.0.6। अब यहाँ पर हमारे पास और कुछ राउटर्स हैं, जो है हमारे पास DR अदर, ठीक है, यहाँ पर भी हमारा एक राउटर है जो हमारे पास एक DR अदर है, यहाँ पर भी हमारा एक राउटर है जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास DR अदर है। अब इस दोनों से क्या फ़ायदा हुआ है, इन दोनों से ये फ़ायदा हुआ है कि जो DR है वो जो मेन रोल है वो DR का ही होगा, यानी कि अब जो भी नया LSA या जो भी नया राउट आएगा वो पहले DR के पास ही जाएगा और DR ही फिर बाकी राउट क्या करेगा, बाकी के साथ एक्सचेंज करेगा, ठीक है, यानी कि अब ये जो हमारे पास काम था ये अब काम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, हमने यहाँ पर DR और BDR को सेट कर दिया है, जो बाकी जो राउट वो है वो हमारे पास है DR अदर, यानी कि ये मतलब है कि अब जो भी नया राउट या कोई LSS वगैरह आगे आएंगे तो वो पहले शेयर होंगे DR BDR के साथ और फिर जाके ये जो राउट्स हैं मतलब ये जो फिर DR BDR है वो शेयर करेंगे किसके साथ, DR अदर के साथ। अब यहाँ पर एक ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक ये पॉइंट ये भी है कि अब जो DR है और जो DR अदर है और जो DR है, ठीक है, अगर DR ने पैकेट को सेंड करना है, ठीक है, अगर DR है, DR लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर इस तरह है कि हमारे पास अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह है कि ये था हमारे पास एक डोमेन था OCF का, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास DR BDR थे, ये DR है, ठीक है, ये हमारे पास BDR था, ठीक है, और ये जो बाकी हमारे पास थे DR अदर, ये भी DR अदर, ये भी हमारे पास DR अदर ही थे, जिसका जो मल्टीकास्ट था वो था हमारे पास 224.0.0.5 और इसका जो हमारे पास जो DR BDR का जो मल्टीकास्ट एड्रेस है वो है हमारे पास 224.0.0.6। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मल्टी एक्सेस में हमारे पास एक ही DR होगा और एक ही हमारे पास BDR होगा, अब अगर DR अदर ने, ठीक है, अब अगर DR लेट्स सपोज अभी अगर DR अदर ने अपना जो डेटाबेस है वो शेयर करना है किसके साथ, अब अगर DR है, ठीक है, DR अदर ने इधर आकर अगर DR अदर, ठीक है, DR ने, ठीक है, अगर अपना जो डेटाबेस है सॉरी DR अदर ने डेटाबेस है वो एक्सचेंज करना है किसके साथ, वो अगर करना है कि किसके साथ, DR के साथ, ठीक है, तो वो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या यूज़ करेंगे, अगर DR अदर ने यानी कि अगर लेट सपोज इस DR अदर ने, ठीक है, हमारे क्या ये हमारे पास DR अदर राउटर है, अगर इस DR ने डेटाबेस शेयर करना है DR और BDR के साथ, ठीक है, तो मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होगा, मल्टीकास्ट एड्रेस होगा 224.0.0.6, ठीक है, अगर DR ने शेयर करना है सॉरी अगर DR अदर ने शेयर करना है DR के साथ तो मल्टीकास्ट क्या होगा, मल्टीकास्ट हमारे पास होगा 224.0.0.6। अब अगर BDR ने, ठीक है, अब अगर यही BDR है, ठीक है, इन्होंने भी अपना अगर डेटाबेस एक्सचेंज शेयर करना है तो वो किसके साथ करेंगे,
उनका जो मल्टी क्लास एड्रेस होगा वो हमारे पास होगा 224.224.0.5। यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर डी आर ने इधर आकर, अगर हमारे पास जो बी डी आर है, ठीक है, अगर बी डी आर ने डेटाबेस डिस्क्रिप्टर जो डी बी डी जो है, डी आर ने अगर जो डी बी डी है वो एक्सचेंज करना है, डी बी डी एक्सचेंज करना है किसके साथ, डी आर के साथ, ठीक है, डी आर बी डी आर ने अगर डी बी डी को एक्सचेंज करना है विथ डी आर अदर, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मल्टी कास्ट एड्रेस यूज़ करेंगे 224.0.0.5, ठीक है। अब अगर तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अगर डी आर अदर ने, ठीक है, अगर डी आर अदर ने डेटाबेस को एक्सचेंज करना है किस साथ, अदर ने डी आर के साथ, तो वो एड्रेस कौन सा यूज़ करेंगे, वो करेंगे 224.0.0.6। और अगर बी डी आर ने डी बी डी एक्सचेंज करना है डी आर अदर के साथ, तो वो होगा हमारे पास 224.0.0.5, मल्टी कास्ट एड्रेस हमारे पास ये यूज़ होगा, ठीक है। अब पॉइंट क्लियर है, अगर डी आर और बी डी आर ने अगर रिसीव करना है तो वो कौन सा एड्रेस होगा, वो होगा हमारे पास 224.0.0.6, और अगर सेंड करना है तो वो होगा हमारे पास 224.0.0.5। यहाँ पर लिख लेते हैं, रिसीव जो होगा अगर डी आर और बी डी आर, ठीक है, जो डी आर है और हमारे पास डी आर और बी डी आर, ठीक है, अगर डी बी डी जो है वो क्या होगा, वो रिसीव करेंगे, रिसीव किस पे करेंगे, रिसीव के लिए मल्टीकास्ट होगा 224.0.0. क्या होगा हमारे पास 6 होगा, ठीक है। और अगर यही जो अगर सेंड करेंगे, ठीक है, डी बी डी जो है वो अगर हमारे पास सेंड करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास होगा सेंट ऑन कौन सा 224.0.0.5 पर ही करेंगे। अब यहाँ तक पॉइंट ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था पैकेट टाइप्स और नाइबरशिप के बारे में, और हमने पढ़ा था एडजेसेंसी के बारे में, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आ सकता है कि क्या ये डी आर अदर टू डी आर अदर, ठीक है, ये जो है डी आर अदर टू डी आर अदर, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। क्यों, ये आपस में अब सिर्फ सिर्फ एक हेलो पैकेट को ही एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपस में क्या होंगे, आपस में सिर्फ सिर्फ एक नाइबर्स हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि डी आर है और जो डी आर अदर है, ठीक है, अगर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी आर इधर आकर लिख लेते हैं, जो डी आर डी आर, ठीक है, इधर आकर डी आर टू डी आर अदर, ठीक है, डी आर अदर टू डी आर अदर, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक एडजेसेंट नाइबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों में एडजेसेंसी है। अगर देखा जाए बी डी आर को और डी आर अदर को, तो ये भी आपस में एडजेसेंट है, ठीक है, ए डी जी शॉर्ट फॉर्म है एडजेसेंसी का, एडजेसेंट, ठीक है। और अगर फिर हमने देखना है डी आर और बी डी आर को, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों भी डी आर और बी डी आर, ये भी आपस में क्या है, ये भी आपस में एडजेसेंट है, ए डी जे। लेकिन अगर डी आर अदर की बात कही जाए और डी आर अदर की बात, डी आर अदर टू डी आर अदर, तो डी आर अदर टू डी आर अदर जो है वो आपस में क्या है, वो आपस में सिर्फ और सिर्फ एक नाइबर्स है, क्या है, वो आपस में सिर्फ और सिर्फ एक नाइबर्स हैं। यानी कि सेंड डी बी डी, डी आर ओ बी डी जो सेंड करेंगे डी बी डी किस एड्रेस पर, 224.0.0.0.5 पर, और डी आर अदर जो सेंड करेगा डी बी डी वो किस पर करेगा, वो करेगा .6 पर, किसको, डी आर को और बी डी आर को। ये तो हमारे पास पार्ट था थ्योरी का, ठीक है, यहाँ से ये क्लियर, इसकी समरी ये पॉसिबल है, हमारे पास जो पहले जो मल्टी एक्सेस नेटवर्क था उसमें हमारे पास बहुत से एक कंजक्शन सी बन रही थी, ठीक है, उसको बजने से पहले
उससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने राउटर्स को रोल दे दिए, ठीक है, ए डी आर का, बी डी आर का और डी आर अदर का। डी आर जो है वो हमारे पास डिजिग्नेटेड राउटर है, जो बी डी आर है वो बैकअप है, वो हमारे, और जो डी आर अदर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अदर राउटर्स हैं। अब ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक ही डी आर और बी डी आर और बाकी क्या होंगी, बाकी डी आर अदर ही होंगी। अब इसके लिए लेट सपोज हमारे पास एक जो हमारी टोपोलॉजी है, या अगर हमें लैब की तरफ आना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक राउटर है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास लेट सपोज एक और राउटर है, और ये हमारे पास लेट सपोज एक और राउटर है, ठीक है, ये एक लैन नेटवर्क, ये भी एक लैन नेटवर्क है, और ये भी एक लैन नेटवर्क है, यानी कि अच्छा अब यानी कि मल्टी इथर। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट में ये पॉसिबल नहीं है, डी आर और बी डी आर का काम यहाँ पर भी पॉइंट टू पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। अब ये जो है, यह एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, तो यहाँ पर यहाँ लगे पॉइंट टू पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ये इसका डी आर, ठीक है, ये अपना एक डी आर होगा, ठीक है, और ये हमारे पास एक अपना ही एक डी आर होगा। अगर लेट सपोज ये इस तरह हो, ठीक है, अगर ये लेट सपोज हमारे पास इस तरह हो कि ये जो है ये कनेक्टेड हो ऐसे आपस में, ठीक है, या ये इस तरह आपस में कनेक्टेड हो तीनों की तीनों, ये क्या हो गया, अब हमारे पास जो नेटवर्क होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। पहले यहाँ पर 10.1.1.1 था, यहाँ पर 172 नेटवर्क था, जो कि हमने कहा था नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम, ठीक है, यहाँ आईडी है 10.1.1.1, आईपी यहाँ पर हमें दे दी है 10.1.1.1.2 और यहाँ पर 10.1.1.3। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो होगा, जो डी आर होगा जो वो होगा हमारे पास 3 वाला, ठीक है, जो बी डी आर होगा वो .2 वाला, डी आर अदर होगा वो हमारे पास होगा बी डी आर अदर जो 1.0 है, ये वाला नेटवर्क, ठीक है। अब ये कैसे है, हमारे पास डी आर और बी डी आर के हमारे पास कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये इलेक्शन पॉसिबल होगा। अब इस इलेक्शन में क्या होता है, इस इलेक्शन में ये होता है कि लेट सपोज अगर कोई सा भी इंटरफेस है, ठीक है, अगर इंटरफेस जो है यहाँ पर हमारे पास इलेक्शन होगा, दो इलेक्शन जो होगी वो होगी दो कंडीशंस पर, ठीक है, एक है हमारे पास प्रायोरिटी नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास है हाईएस्ट आईपी एड्रेस, क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास HEI हाईएस्ट आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर है FAU डिफ़ॉल्ट नंबर है वो हमारे पास है 1, ठीक है, सब पर क्या है, वो है हमारे पास 1। अब अगर प्रायोरिटी से कम, अब लेट सपोज प्रायोरिटी नंबर सब पे सेम है, सबका सेम सेम बाय डिफ़ॉल्ट सेम है, तब जाके यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर हो गया टाई, ठीक है। अब जब टाई आ गया है तो तब अब देखा जाएगा हाईएस्ट आईपी एड्रेस को, जिस इंटरफेस की हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगी वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास डी आर, जो सेकेंड हाईएस्ट होगा वो डी आर बी डी आर, ठीक है, जो थर्ड हाईएस्ट होंगे वो सारे सारे हो जाएंगे बी डी आर। अब ये किस तरह होंगे ये हम थ्रू डायग्राम अब यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगर लैब की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा एक स्विच, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंड राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड है थर्ड राउटर, यहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड है फोर्थ राउटर, ठीक है, ये हमारे पास सारा सारा एक ओ एस पी एफ क्या है,
ये सारा हमारा एक OSPF डोमेन है। और हमारे पास कंडीशन क्या थी, नेटवर्क आई डी मस्ट बी सेम, कि हमारे पास है 10.0.0.0। अब यहाँ के जो IP है वो हमारे पास 10.1.1.1.1, ठीक है, यहाँ के हमारे पास 10.1.1.2, 10.1.1.3 और यहाँ पर 10.1.1.4। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे पास जो प्रायोरिटी नंबर है वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है। अगर जो पहले हम देखेंगे प्रायोरिटी नंबर को, अगर प्रायोरिटी नंबर हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी जो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रायोरिटी नंबर में आ गया है टाई। अब टाई के बाद हमारे पास हम लोग मूव होंगे हाईएस्ट आईपी एड्रेस पर, जो कि हमारे पास के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है राउटर आईडी का, ठीक है। अब इसकी जो राउटर आईडी वो 10.1.1 है, इसकी 10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.1.4। अब यहाँ पर जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 10.1.1.4। 10.1.1.4 है, ये हो जाएगा हमारे पास DR, ठीक है। जो 10.1.1.3 है ये हमारे पास हो जाएगा BDR, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, ठीक है। और ये जो राउटर्स है ये दोनों हमारे पास मल्टीपल DR अदर्स हो सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास सिर्फ एक ही BDR होगा और एक ही हमारे पास DR होगा। अगर सपोज DR में कुछ मसला है तो फिर उसका रोल, फिर जो DR का जो रोल होगा वो BDR ही संभालेगा। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास, अब हमने इसी लैब को करना है कॉन्फ़िगर, ठीक है। अब लैब को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें आना होगा पैकेट ट्रेसर पर, ठीक है, हमें आना है पैकेट ट्रेसर पर। और पैकेट ट्रेसर पर जैसे ही हमने ओपन किया, इधर आकर हमने सर्च करना है पैकेट ट्रेसर, ठीक है। अब पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद हमें ये डायग्राम बना देंगे, डायग्राम बनाने के बाद हमने कॉन्फ़िगर करना है OSPF को, और OSPF को कॉन्फ़िगर करने के बाद हम लोग DR और BDR और DR अदर को हम लोग फिर देखेंगे। अब ये हमारे पास यहाँ पर एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक स्विच को, ये हमारे पास है मल्टीपल राउटर्स, ये हो गया हमारे पास इधर एक राउटर, जो सेकेंड राउटर, ठीक है, थर्ड राउटर, और ये है हमारे पास फोर्थ राउटर, और ये हमने कनेक्ट किया थ्रू इथरनेट केबल, ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है इसके साथ। अब यहाँ पर हमने आना है और हमने यहाँ पर रन करना है OSPF को। अब जो IPs है वो कौन सी IPs हैं वो आपको अभी ये 10.1.1.1 इधर आकर IPs लिख लेते हैं। यहाँ पर जो IP है वो आपकी होगी 10.1.1.1, यहाँ पर जो IP है वो 10.1.1.2, यहाँ पर जो IP होगी वो 10.1.1.3, यहाँ पर जो IP है वो आपके पास है 10.1.1.4। अब यहाँ पर आना है, ठीक है, और इधर ही हमने कर देना है यहाँ पर राउटर को कॉन्फ़िगर, ठीक है, CLI मोड में आना है आप लोगों ने। और इधर मैंने कर दिया है 10 no, ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग राउटर होस्ट नेम सपोज मैंने दे दिया है राउटर 1, ठीक है, R1, और इधर मैंने इंटरफेस FOFA 0x0, ठीक है, यहाँ पर आकर आप कॉन्फ़िगर कर दें IP FOFA 0x0, और IP एड्रेस क्या है हमारे पास 10.1.1.1.255.000, और फिर नो शट डाउन, ये हो गया। यहाँ पर भी आप आ जाए, इधर भी हमने कॉन्फ़िगर करना है IP एड्रेस को 10.1.1.2, तो नो इनेबल कॉन्फ़िग और होस्ट नेम हमने दे दिया है R2,
और इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1.2.255.0.0.0 और नो शट डाउन। अब यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगर कर देना है आईपी एड्रेस 10.1.1.3, ठीक है, नो इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.3.255.0.0.0 और फिर नो शट डाउन। अब यहाँ पर भी हमने करना है कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस को, ठीक है, जो कि हमारे पास है ऑर्डर नंबर 4, इनेबल कॉन्फ़िग होस्ट नेम R4, ठीक है, और आईपी इंटरफेस एफ ऑफ ए 0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.4.255.0.0.0 और नो शट डाउन। ठीक है, यहाँ पे हम कर दिया है किसको, आईपी को हमें कर दिया है कॉन्फ़िगर। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर आना है और हमने यहाँ पर रन करना है ओएसपीएफ को, ठीक है, तो हमने स्टार्ट लेना है 10.1.1.1 से, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ओएसपीएफ को रन करेंगे, ठीक है, एग्जिट राउटर ओएसपीएफ वन, ठीक है, नेटवर्क है हमारे पास 10.1.1.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मस्ट इन एरिया सेम वन है, ठीक है, मैंने कर दिया है इंटर। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने स्टार्ट लिया है किससे, 10.1.1.1 से, जो कि हमारे पास लोएस्ट आईपी है, ठीक है, तो ये जो है इसको मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मेरे पास और कोई भी नहीं है, ये खुद को डीआर बना देगा, क्या करेगा, ये राउटर अपने आप को यानी कि अपने आप को ही रोल असाइन कर देगा और वो होगा रोल डीआर का, ठीक है। यहाँ पर कर दें नेटवर्क 10.1.1.2.0.0.0.0 और एरिया 1, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर आना है, ठीक है, इधर भी मैंने रन कर देना है ओएसपीएफ को, तो एग्जिट और राउटर ओएसपीएफ 1, ठीक है, ओएसपीएफ 1 और नेटवर्क हमारे पास है 10.1.1.3 और 0.0.0.0 और फिर एरिया जो है वो हमारे पास है 1। यहाँ पर भी एक कमांड रन करें, जैसे मैंने इनेबल किया है ओएसपीएफ को, तो राउटर ओएसपीएफ 1, नेटवर्क क्या हमारे पास 10.1.1.1.4, ठीक है, और 0.0.0.0 और एरिया 1। अब यहाँ पर चेक करना चाहें प्रोटोकॉल को, तो डू शो आईपी प्रोटोकॉल करें, ठीक है, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, देखिए क्या हो गया, हमारे साथ जो नाइबरशिप है वो अब हो गई है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या, ये 10.1.1 पोस्टर आईडी, ठीक है, और इधर अगर आप ये चेक कर लें तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी एक अपनी राउटर आईडी है, राउटर नंबर जो डू शो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी जो राउटर आईडी वो 10.1.1.3 है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख लें यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करें डू शो आईपी प्रोटोकॉल को, ये भी हमारा 10.1.1.2 जो कि इसकी राउटर आईडी है, और यहाँ पर हम देख लें 10.1.1.1 जो कि इसकी राउटर आईडी ही होगी, ठीक है। यहाँ पर आकर हम चेक कर लेते हैं डू शो आईपी प्रोटोकॉल। अब अगर हमने चेक करना है राउटर के रोल्स को, डीआर को, बीडीआर को या अदर को, तो किस तरह करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे कि हमने कहा था कि हमने होता है हमारे पास इंटरफेसेस पर, ठीक है, तो अगर इंटरफेस पर ही होना है तो यहाँ पर आप इधर आकर एग्जिट कर लें और लिखें शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, ठीक है, जैसे आप ये इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है 10.1.1.1, ठीक है, और ये देखिए ये आपके पास यहाँ पर रोल नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है स्टेट, वो स्टेट है और डीआर है, और ये हमारे पास प्रायोरिटी नंबर क्या है, हमारे पास 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पर स्टेट डीआर क्यों है, कि हमने यहाँ पर ओएसपीएफ को
हमने इस आईपी पर ओएसपीएफ को पहले इनेबल किया था, ठीक है। इस वजह से ये इसने अपने लिए खुद ही एक रोल सेलेक्ट कर दिया है, वो है हमारे पास डीआर का, जो कि हमने पढ़ा था जो हाईएस्ट आईपी है वही हमारे पास डीआर बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पर देख लें, इधर आकर हम लोग टू पे चेक कर लें, ठीक है। वो क्या होगा, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस। देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्टेट बीडीआर, हालांकि आईपी क्या है हमारे पास 10.1.1.2 है, प्रायोरिटी क्या है हमारे पास 10.1, प्रायोरिटी हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 ही है। अब यहाँ पर आके चेक कर लें, इधर भी ये यही काम इधर भी हो रहा हुआ होगा कि डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, ओएसपीएफ इंटरफेसेस, तो क्या है ये 10.1.1.3 फिर राउटर आईडी है, तो हमारे पास क्या है प्रायोरिटी नंबर बाय डिफॉल्ट 1 ही है। अब हमने चेक कर लेते हैं 4 को भी, ये भी हमारे पास डीआर अगर ही होगा डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, ठीक है, ये भी हमारे पास डीआर अदर ही है। तो अब ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया है कि मल्टी एक्सेस में हमारे पास एक ही डीआर, एक ही बीडीआर होगा एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में, बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे डीआर अदर होंगे। अब अगर मैंने क्या करना है, मैंने इन कैलकुलेशंस को दोबारा मतलब रिफ्रेश करना है ताकि हर एक राउटर को आईपी बेस पर अपना अपना एक रोल मिल जाए, क्या मिल जाए अपना अपना एक रोल मिल जाए। उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, उसके लिए पास हमारे पास ये कमांड है कि क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। इस कमांड से क्या होता है, इस कमांड से ये होता है हमारे पास जितने भी एसपीएफ कैलकुलेशंस है, ठीक है, वो सारी हो जाती है हमारे पास रिफ्रेश। तो इसे यस कर दे, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दे, आपने कर देना है कि यस एक मिनट क्लियर आई पी ओ एस पी एफ प्रोसेस, और ये मैंने कर दिया है यस। ये क्यों नहीं, ये खाना की कमांड ठीक है फिर भी एरर आ, मतलब कमांड क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट दोबारा करते हैं क्लियर आई पी ओ एस पी एफ प्रोसेस, ठीक है, इंटर, और यहाँ पर कर दे मैंने करना है यस, और ये दोबारा ट्राई करते हैं एक मिनट, दोबारा ही कमांड ट्राई करते हैं क्लियर आई पी ओ एस पी एफ प्रोसेस, मैंने कर दिया है यस। हाँ, अब हालांकि पैकेटेसर में इश्यूज आते हैं, हालांकि कमांड हमारा बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ पर भी यही कमांड रन करते हैं जेड, ठीक है, क्लियर आई पी ओ एस पी एफ प्रोसेस, और ये इंटर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यही कमांड रन करना है कि क्लियर आई पी OSPF प्रोसेस, क्लियर IP OSPF प्रोसेस, और ये आप यस कर दें। यहाँ पर भी हमने यही कमांड रन करना है कि क्लियर IP OSPF प्रोसेस, और ये कर दें आप यस। अब चेक करते हैं ऑर्डर नंबर 4 को, ठीक है, शो IP OSPF इंटरफेसेस, ठीक है। यह अगर हम चेक करें तो ये क्या हो गया, अभी आपके पास ये आपके पास हो गया है 10.1.1.4, और ये आपके पास हो गया है डीआर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आईपी। यहाँ पर भी देखें, इधर भी आप करें कि शो आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, तो ये भी आपके पास हो जाएगा शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस। ये देखें ये 10.1.1.3, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है BDR है, सेकेंड लार्जेस्ट आईपी, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, ये होगा हमारे पास DR अदर, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, ठीक है, ये 10.1.1.2 हमारे पास क्या है DR अदर, प्रायोरिटी वाइज सेम है। अब अगर हम यहाँ पर चेक कर इधर देख लें, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेसेस, तो ये देखें ये भी आपके पास क्या है डीआर अदर, यानी कि प्रायोरिटी नंबर वही 10.1.1.1 डीआर अदर और प्रायोरिटी वही सेम। अब अगर हमने सेलेक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, बेस्ट मेथड यही है कि आप स्टार्ट में ही प्रायोरिटी नंबर सेट कर लें हाईएस्ट, जिनको आपने कंसीडर करना है डीआर, जिसकी प्रायोरिटी नंबर हाईएस्ट होगी, ठीक है, वो होगा डीआर, जिसकी सेकेंड हाईएस्ट होगी वो होगा डीआर, सॉरी बीडीआर,
इसकी थर्ड हाईएस्ट होगी वो होगी क्या, वो होगा हमारे उस साइड हमारे पास होंगे डी आर अदर। अब मेथड क्या है हमारे पास कन्फिग, ठीक है, राउटर ospf1, ठीक है। अब हमारे पास कमांड क्या होगा, हमारे पास ये कमांड है कि सॉरी एग्जिट करके इंटरफेस पर हिट करना है, तो ff0/0, ठीक है। अब क्या है हमारे पास ip ospf, यहाँ पर आपके पास कमांड है प्योरिटी नंबर का, ip ospf प्योरिटी मैंने कर दी है ये, और ये देखिए आपके पास जो प्योरिटी वो आप सेट कर सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। मैंने 1 से बनाना है, जिसकी जो आईपी है, इसकी आईपी हमारे पास क्या आई 10111 थी। अब मैंने 1 से ही बनाना है डीआर, मैंने कर दी है 100, ठीक है। और अब यहाँ पर भी मैंने यही काम करना है, इंटरफेस पर मैंने सेट करना है, तो कॉन्फिग इंटरफेस ff0/0 और ip ospf प्योरिटी मैंने कर दी है 80 सेकेंड, ठीक है, जो 100 फिर 80। और यहाँ पर आकर मैंने अगर 3 भी कर देना है, यहाँ पर मैंने कर दिया है कि कन्फिग, और फिर मैंने यहाँ पर कर दिया है कि इंटरफेस ff0/0 और ip ospf प्योरिटी मैंने कर दी है सपोज 40, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने कर दिया है कि 20 कन्फिग और इंटरफेस ff0/0 ip ospf इंटरफेस क्या किया मैंने, मैं कर दिया 20, ठीक है, ip ospf इंटरफेस, ठीक है, मैंने कर दिया है 20, सॉरी ip ospf प्योरिटी नंबर, ठीक है, प्योरिटी मैंने कर दी है 20। अब अगर यहाँ देखा जाए तो डू शो ip ospf इंटरफेस चेक करें, तो वही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 4 है, ये वही हमारे पास डी आर, हालांकि जो आईपी वो सबसे लोएस्ट है, सॉरी जो उसका जो प्योरिटी नंबर है वो सबसे लोएस्ट है, चाहे कि अभी हमारे पास बन जाए डी आर अदर। तो हमने वही काम करना है एग्जिट करके, ठीक है, क्लियर ip ospf प्रोसेस, और यहाँ पर आप कर दें यस। यहाँ पर आप 3 पर भी आ जाएं, 3 पर भी आपने यही काम करना है कि क्लियर ip ospf प्रोसेस, ये कर दें आप यस। यहाँ पर भी आपने आना है और यहाँ पर भी आपने यही काम करना है कि क्लियर ip ospf प्रोसेस, तो ये है यस। और यहाँ पर भी आप आ जाएं और चेक कर दें, क्लियर कर दें कंट्रोल जेड से, ठीक है, क्लियर ip ospf प्रोसेस, और ये है यस। और अगर देखा जाए 1 को, क्योंकि मैंने सेट की थी प्योरिटी नंबर 100, ठीक है, तो शो ip ospf इंटरफेसिस कर दें, ये क्या अब ये आपके पास बन गया है, स्टेट क्या है आपके पास DR, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी नंबर। और यहाँ पर आप चेक कर लें, ये आपके पास होगा BDR, शो ip ospf इंटरफेसिस, ये क्या आपके पास, ये आपके पास है BDR। और यहाँ पर देख लें, इधर भी आपके पास होगा, ये होगा आपके पास DR अदर, शो ip ospf इंटरफेसिस, ये क्या आपके पास होगा DR अदर, जो कि प्योरिटी नंबर क्या आपके पास 40 है। अब यहाँ पर भी आप आ जाएं, इधर भी चेक कर लें, शो ip ospf इंटरफेस, तो ये आपके पास है 20 और ये है आपके पास DR अदर। अब अगर मैंने प्योरिटी नंबर सेट करनी, अगर लेट सपोज हमने प्योरिटी नंबर सेट कर दी 0 0, तो वो अगर प्योरिटी नंबर 0 है तो तब वो जो राउटर है वो DR और BDR के इलेक्शंस में पार्ट यानी कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर प्योरिटी नंबर 0 सेट कर दी तो वो राउटर, वो डिवाइस जो है वो फिर DR और BDR के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये था आज का लेक्चर DR और BDR के बारे में, और जो भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।